नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको जिस प्लांट्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, या रबर प्लांट्स है, इसे कैसे देखरेख करना और कैसे घर में लगाना है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। फिकस इलास्टिक के नाम से जाना जाता है। यह बेहद ही लोकप्रिय इंडोर प्लांट्स होता है। इसकी पत्तियां बड़ी चमकदार हरी रंग की होती है और यह हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है, इसे एयर प्यूरिफाई का काम करता है। इस प्लांट्स को देख रेख करना घर में बहुत ही आसान है। यह प्रायः सभी घरों में इंडोर प्लांट्स के रूप में जाना जाता है। इसे आप आउटडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन इसे आप घर में रखने से आपके घर के हवा को शुद्ध करता है, इसलिए इसे एयर प्यूरिफाई करने वाला बेस्ट प्लांट माना गया है। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह बेहद ही खूबसूरत प्लांट है। इसे दोमट या काली मिट्टी में लगाइए और आप जिस गमले में लगाते हैं उस गमले का ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, नहीं तो पानी आप अगर आप डालते हैं तो उसमें जल जमा होने से इसका जड़ में सड़न की समस्या उत्पन्न होती है, जो पौधे के लिए हानिकारक है और पौधा आपका सूखने लगेगा और पत्तियां मुरझा कर गिरने लगेगी। इसलिए आप जिस गमले में लगाएं उसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। घर में अगर आप रबड़ प्लांट लगाते हैं तो उसका देख रेख करना बहुत ही आसान है। यह एक ऐसा पौधा हो है जिसे देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसे एक बार पानी देकर कई हफ्तों तक छोड़ दें, ये प्लांट्स अच्छे से ग्रो करता है और इसकी मिट्टी लंबे समय तक कारगर काम करती है, जिससे दोमट या काली मिट्टी में इस प्लांट्स को लगाने से अच्छे से ग्रो करता है। प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा है। इसे लोग शौकिया तौर पर घर में लगाते हैं, लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रबड़ प्लांट सिर्फ शो प्लांट नहीं होता, बल्कि यह हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसको घर के भीतर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्लांट्स को हम क्या क्या फर्टिलाइज़र देते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, यह NPK फर्टिलाइज़र है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के ग्रोथ को अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। उसका आपको 20 दाना लेना है और 2 महीने के अंतराल में इस प्लांट्स को डालना है। यह प्लांट्स सालों साल चलने वाला और बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला प्लांट्स है। घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ यह हमारे घर के हवा को भी शुद्ध करता और हमारे घर के नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता रखने वाला यह प्लांट्स है। लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है, वो अपने घर में यह पौधा जरूर लगाएं। रबर प्लांट्स घर के कमरे के भीतर नमी को बनाए रखता है। यह कमरे में मौजूद हानिकारक धूल कण को सोखता है। इससे अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी का खतरा कम होता है। इसलिए आप इसे इंडोर प्लांट्स के रूप में अपने घर में ज़रूर लगाएं। इस प्लांट्स को मेंटेन करना बहुत ही आसान है। रबर प्लांट्स को घर के भीतर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पौधा घर में शुभता का संकेत देता है। इसे घर के बाहर लगाने की अपेक्षा भीतर लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा घर में लगा होता है वहाँ आर्थिक समृद्धि, धन और उस घर में रहने वाले लोगों को व्यापार एवं नौकरी में सफलता मिलती है। इसलिए इस प्लांट्स को आप जब भी लगाएं अपने घर के भीतर बेडरूम या बालकोनी में ज़रूर लगाएं, जिससे हमारे नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है और हमारे घर के हवा को प्यूरीफाई का काम करता है। या रबड़ प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाला और आसान से केयर टिप्स में रहने वाला प्लांट्स को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। यह लोकप्रिय इंडोर प्लांट्स हमारे घर के हवा को तो शुद्ध करता ही है, उसके साथ साथ यह हमारे कई गंभीर बीमारियों को इलाज में भी काम आता है। अस्थमा जैसे गंभीर बीमारियों में यह प्लांट्स बहुत ही कारगर साबित होता है। त्वचा से संबंधित बीमारी में भी यह प्लांट्स बहुत ही कारगर साबित होता है।
एवं बहुत सारी दवाइयाँ इस प्लांट से बनती है। आप मेरे बताए हुए के टिप्स को अपनाइए और अपने रबड़ प्लांट्स को सालों साल तक सेफ रखिए। इसे सनलाइट 2 से 3 घंटे दीजिए या जिस खिड़की के पास रखते हैं वहाँ आप सनलाइट आए तो अच्छा है। उसके बाद आप इसको समय समय पर 2 महीने के अंतराल में खाद डालिए। उसके बाद आप इसमें पानी सप्ते में 1 बार दीजिए। और इस प्लांट्स में अगर आपको जड़ सड़न की समस्या उत्पन्न हो तो आप उन्हें नीम ऑयल का स्प्रे करिए इस प्लांट्स में, या एंटी फंगस सुपर फास्फेट नामक रासायनिक उर्वरक का आप यूज करिए, जिससे इससे जड़ सड़न की समस्या अच्छी तरह से निदान हो जाएगा। खासकर बरसात के सीजन में इस प्लांट्स को केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से इसकी जड़ की सड़न की समस्या उत्पन्न होती है, पत्तियाँ सड़ने लगती है। इसलिए इसे हो सके तो आप अपने घर के अंदर में ही इस प्लांट्स को रखें, और गर्मी या जाड़े के मौसम में आप इसे इंडोर आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। इसे आप प्रॉपर इंडोर प्लांट्स के रूप में रख सकते हैं, घर में या शेडी एरिया में रखें, जिससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेगा और सालों साल तक या हरी चमकदार पत्तियाँ इसी तरह से बनी रहेगी। अगर आप इस प्लांट्स को अपने घर में नहीं लगाए हैं तो आज ही आप इस प्लांट्स को अपने घर में लगाइए और एयर प्योरीफाई वाले प्लांट्स को घर में लगाइए और अस्थमा जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त में पाइए। ये हमारे घर के हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है जो कि अच्छे से कारगर काम करता है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर कीजिए। घर के हवा को फ्रेश एवं पोल्यूशन मुक्त रखना चाहते हैं तो आज ही आप रबड़ प्लांट्स को अपने घर में लगाइए। मेरे बताए हुए के टिप्स को अपनाइए और अपने रबड़ प्लांट्स को सालों साल तक हरा भरा रखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी इंफॉर्मेशन के साथ, नए किसी प्लांट्स के जानकारी के साथ। तब तक अपने सेफ रखिए, अपने प्लांट्स को भी सेफ रखिए। बाय बाय, टाटा।